जब मेरे बच्चे बड़े हो गए तब मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया रोटी पहले खाली पेट वाले खाओ पानी पीना है। हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और हमें जाना है ग्राम मनकी पे। और मनकी पे बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए हैं हड्डी वाले के लिए। जो भी प्रॉब्लम रहता है, मोच हो गया, एक्सरे हो गया, हड्डी वाली जो भी प्रॉब्लम है, घुटना कमर, उसके लिए मनकी बहुत फेमस हो गया होगा। कम से कम में कितना साल हो गया, 7-8 साल हो गए ना मम्मी उनको, ना कम से कम 7 से 8 साल हो गया है वर्किंग करते, लेकिन अब ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं दिखाती हूँ उनको कैसे कैसे क्या क्या करते हैं उसको, तो बने रहेंगे हमारे साथ में। मैं मम्मी को लेके जा रही हूँ, मम्मी के में क्या दिक्कत है, कैसा है, सारा चीज़ को आपको बताऊँगी। और वहाँ दवाई भी देते हैं, जैसे हम दुर्ग में गए जाते हैं ना, तो दुर्ग में वहाँ पीने के लिए देते हैं, उसके बाद में कुछ नहीं देते। तो यहाँ आपको घर में आने के बाद लगाने का, खाने का, पीने का सब चीज़ देते हैं, जैसे जैसे प्रॉब्लम वैसे वैसे। तो चलते हैं उनके घर पे और उनका पूरा चीज़ डिटेल मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखो, आपको हाईवे दिख रहा है, आप इधर से देखेंगे तो राजनांदगांव और इधर है आपका दुर्ग, और इधर सेंटर पे हो जाएगा आपका जहाँ पे हड्डी वाले काम करते हैं, दवाई देते हैं, उनका घर है। अभी गाड़ी कम हो गई है क्योंकि अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। आपको गांव का नाम भी बता दूँ, मनकी, राजनांदगांव जिला, जो आपको पूरी हड्डी की जानकारी मिल जाएगी, दवाई मिल जाएगी, हर एक चीज़ की दवा यहाँ पे दी जाती है। चाहे वो टूटी हड्डी हो या कमर दर्द हो या फिर फ्रैक्चर हो, जो भी हो सकता है, आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे देखो, व्हील चेयर वाले लोग भी आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। उसी प्रकार मेरे यहाँ मम्मी भी आज आई है। और इसमें पढ़ लीजिए, वैद्यराज जी यहाँ इलाज का समय मंगलवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से 10 बजे, रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक, सोमवार और शनिवार को बंद रहेगी। मरीज साथ में नारियल अगरबत्ती लावें, टिप्पणी कृपया जूता चप्पल निकालें। इस तरीके से यहाँ पे बोर्ड लगी हुई है और ये इनका मैदान है। अब मैं अंदर की ओर जाती हूँ और अंदर की ओर जाते ही मेरे को मिल जाते हैं पेशेंट लोग। अभी भी उनका घर बन रहा है, जिसके वजह से कंस्ट्रक्शन का सामान रखा हुआ है। पहले गई थी तो थोड़ा सा छोटा था और अब बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे व्हील चेयर वाली अम्मा को भी ले आए हैं। आप गिरे रहो या फिर कुछ ज़्यादा ही डैमेज रहता है तो व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखना पड़ता है आपको खुद को, ताकि कभी कुछ फ़ोन करे तो वो रजिस्टर से देख सके कि हाँ मेरे पास आए थे करके। कोई लिखने वाला नहीं है, खुद को ही लिखना है, खुद को ही एंट्री करना है। कोई यहाँ पे आपको फीस वगैरह नहीं लगेगा, अंदर में लगेगा, जो भी लगेगा। यहाँ पे कम्मा का शोल्डर में शायद मोच आया रहा होगा या फिर हड्डी टूटी रही होगी। कटला से। तो यहाँ के पता कैसे चली सापला? ऐसे बहुत पहले से सुना था इनकी मनकी में बांधे करके, तो पहली बार आ हो कि पहली बार है। तो अभी रिजल्ट अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन रिजल्ट घर में और कोई मतलब, हाँ मतलब आ चुके हैं, पता है। हाँ, अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। मैं एलजी सेवा वाले हूँ, यूट्यूब वाले, आज मोरबी मम्मी लेके आ हूँ मैं भी। हाँ, तो आपके बांधा देखे हूँ तो आधा बंद घेरी से होकर बाद में ले हूँ वीडियो, तो आप देख सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पे बैठते हैं वैद्यराज जी, तो उससे पहले आपको यहाँ पे नारियल को चढ़ाना पड़ता है। और अभी गणेश पक्ष चल रहा है तो यहाँ भी गणेश जी स्थापना हुए हैं। अब देख लीजिए, ये है एक वैद्यराज जी और इनके बगल में एक और है, मतलब इन लोग दो लोग वर्क करते हैं। शायद एक को सिखाए होंगे क्योंकि हेल्पर तो हर जगह लगते हैं। एक ये है और एक जो चेयर में बैठे हैं वो है, क्योंकि हड्डी वाला काम है, कभी पकड़ना पड़ता है, कभी सहलाना पड़ता है, तो उसमें अकेले में नहीं होता। आप जैसे ही प्रॉब्लम को बताएंगे तो उनको लगता है पट्टी बांधना चाहिए, तो पट्टी को बांधते हैं, खाने का देते हैं, लगाने का देते हैं, हर तरीके से ऐसे इलाज करते हैं। और आपका स्टार्टिंग हो जाता है 300 रुपये से। ये देखो, ये है पैर, है ना। अब इस पैर में अम्मा बोली होगी घुटने में दिक्कत है करके,
तो उसमें बांधेगी। तो पहले कैल्शियम का पाउडर लगाते हैं, फिर थोड़ा सा खिंचाई करते हैं, उसके बाद में ये उनकी मेन दवाई है, जड़ी बूटी वाला लेप है, जिसको लगा देते हैं। लगाने के बाद में उसी को बांधते हैं, प्लास्टर टाइप का उसको बांध देते हैं। यहाँ पे दादाजी का शोल्डर उतर गया है, जिसके लिए खींच रहे हैं, थोड़ी सी दर्द ज़्यादा हो गई है, तो दिक्कत आ रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। देखो ये है मम्मी का, जो ना ये यहाँ पे मटेरियल रहता है वो उभर आया है और जो नस है वो भी दिख रहा है। तो हम डॉक्टर के पास गए थे ना, तो ऑपरेशन बोले हैं, तो उससे पहले हम पहले आयुर्वेदिक को दिखा लेते हैं, भाई बड़े बड़े लोगों का ठीक होता है, तो हम भी चले गए। मोड़ने में बैठने में अभी मम्मी को दिक्कत नहीं है, बस ये नस दिख रहा है ना, इसी की वजह से हम लोग गए हैं। अभी मम्मी को तो पट्टी नहीं बांधे है, बोले 15 दिन देख लेते हैं करके, तो ये पाउडर दिए, कैल्शियम का पाउडर जिसको लगा के मालिश करना है, और ये भी पाउडर है जो लेप लगाना है, उसके अंदर लेप है, इसको चुटकी भर खाली पेट खाना है और सादा पानी पीना है, और इसको खाना खाने के बाद दोनों टाइम खाना है। इस तरीके से हमारा बिल 790 रुपये। कभी आपको हड्डी वाले की ज़रूरत पड़े तो एक बार मन की ज़रूर आइए। पहले देवसरा बहुत फेमस था, अब देवसरा के बाद में ये मनकी फेमस है, तो आप भी आइए। कभी भी आएंगे कुछ भी चीज़ के लिए तो एक्सरे को साथ में लेके ज़रूर आएंगे, ताकि उनको देखने में समझने में आसानी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट।